लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल अब भी सियासी हिंसा से सुलग रहा है। शनिवार की शाम नॉर्थ 24 परगना के बसीरहाट में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसा में कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं बीजेपी का एक कार्यकर्ता गायब बताया जा रहा है। इस हिंसा के बाद बीजेपी ने सोमवार को 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है, जबकि पार्टी पूरे राज्य में काला दिवस मनाएगी। 12 जून को विरोध रैली निकाली जाएगी और हिंसा के बाद अब उत्तरी 24 परगना में जबरदस्त तनाव है। वहीं किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में भारी पुलिस जाब्ता और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। बहरहाल राज्य के हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी किया है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी कानून व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। और अब देखना यह है कि राज्यपाल की इस पहल के बाद राज्य में हिंसा के हालात पर रोक लगेगी या फिर नहीं।